हम एक अचीवर हमारे साथ मौजूद हैं, माशाल्लाह ऑलरेडी अच्छे सक्सेसफुल करियर के साथ जा रहे थे। उन्होंने कहा जरा एक और पर लगाया जाए अपनी इस कैटेगरी के अंदर, और आदिल रियाज गोंदल साहब हैज बीन द टॉपर। और कैसे हो सकता है कि वो हमारे शो में ना आए? थैंक यू वेरी मच आदिल रियाज गोंदल फॉर बीइंग विद अस ऑन एक्सप्रेसो। आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी, इट्स एन ऑनर टू बी हियर। आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। एक तो ये कि आपके वैसे ही इलाके के बहुत सारे ऐसे लोग हैं माशाल्लाह जो बहुत सारी डिफरेंट फील्ड्स के अंदर बहुत अच्छा कर रहे हैं, और आप भी ओबियसली अब उनमें से एक हैं। सबसे पहले तो हमें वो फार्मूला बताइए, लोग तो एकेडमीज में जाते हैं, इतनी ट्रेनिंग्स करते हैं, पढ़ते भी बहुत ज़्यादा हैं सीएसएस करने के लिए, बेचारे क्लियर भी नहीं कर पाते। ऐसा क्या फार्मूला आदिल साहब के हाथ में आ गया कि माशाल्लाह क्लियर करना तो दरकिनार, टॉप कर गए आप? सर फार्मूला बड़ा सिंपल है और इसको फॉलो करना भी बड़ा आसान है, लेकिन ये ऐसा फार्मूला है जिसको जिसका सबको पता भी है उसके बावजूद फॉलो भी नहीं करते। अच्छा, और फार्मूला सिर्फ यही है कि आपने पेशेंट रहना है, आपने परसिस्टेंट रहना है, और आपने हमेशा प्रैक्टिस करते रहना है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और आपके अंदर अगर ये तीन क्वालिटीज पाई जाती हैं तो मेरे ख्याल से कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है वो आप क्लियर कर सकते हैं। अच्छा, तो आदिल साहब आपको क्या लगता है, आपकी अचीवमेंट तो माशाल्लाह एक साइड पर हम रखते हैं, जो अभी इमरान ने जिक्र किया है कि 2.96 रहा सिर्फ उम्मीदवारों की कामयाबी का जो जो परसेंटेज है, 13,008 उम्मीदवारों में से सिर्फ 401 जो है वो रिटन एग्ज़ाम को क्लियर कर सके हैं, क्या वजह रही इसकी? और आपको क्या लगता है कि क्या तैयारी, जिस तरीके से आपने कहा कि परसिस्टेंट रहें और जो कुछ एकेडमीज हैं इस तरीके से तैयारी नहीं करवा पाती हैं स्टूडेंट्स को, या वो खुद अपने आप से उस तरह से प्रिपेयर नहीं होते? बेसिकली एक तो ये है कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो इसको कंपेयर करना ऑन द बेसिस ऑफ पासिंग रेशियो मेरे ख्याल से ज़्यादा होगी। रीज़न देयर बाय कि हर साल जितने लोग भी कैंडिडेट्स पास होते हैं उसमें तो जो बेस्ट होते हैं कंपैरेटिव, आप कह सकते हो कि एक चेकिंग के मैकेनिज्म के बाद, वो एक कम्पिटिटिव प्रोसेस के बाद रिटर्न का भी अगर बात करें तो वो आते हैं। ठीक है, एक बेयर मिनिमम उन्होंने क्राइटेरिया ज़रूर रखा हुआ है कि फॉर एग्ज़ाम्पल इतना स्कोर होगा तो आप रिटर्न क्लियर करेंगे, बट आप अगर उसको एक आम एग्जामिनेशन के साथ कंपेयर करेंगे तो फिर वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। अदरवाइज जो लोग फेल हो रहे हैं उसमें काफ़ी रीजंस हो सकती हैं, कुछ की मे बी द कम्पिटिटिवनेस जो है इस एग्ज़ाम की वो रीज़न हो सकती है, कुछ लोग उस तरह तैयारी नहीं करते, लेकिन मेरे ख्याल से इस एग्ज़ाम की नोयत कम्प्लीटली डिफरेंट है कि आप एक जनरल जब आप यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम की बात करते हैं या बोर्ड एग्ज़ाम्स की बात करते हैं, इसकी नोयत कम्प्लीटली डिफरेंट है। तो मेरे ख्याल से पासिंग रेशो कम होना ही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। ओके, अच्छा, अगले मेरे सवाल के दो हिस्से हैं और मैं चाहता हूँ कि आप दोनों के जवाब दें। पहले तो ये कि आपकी जो असिस्टेंट कमिश्नरशिप है इसने कितना किया आपको टू बी द टॉपर, नंबर वन। नंबर टू ये कि सारे लोग इम्तहान तो दे रहे हैं लेकिन दूसरी जानब इस वक्त जो सूरत हाल है उसको देखते हुए एक एक स्केप भी है कि इस तरफ हम निकल जाएं और ये कर लें, तो डू यू थिंक कि ये स्केप लोगों को हेल्प आउट करता है या नहीं? वो डिवोशन आपको चाहिए ही होती है, चूँकि कहीं ना कहीं आपकी इस कामयाबी में हमें एक सबक ये भी मिलता है कि आप ऑलरेडी एक सक्सेसफुल करियर में थे लेकिन आपने कुछ और ऑप्ट किया और मुश्किल ऑप्ट किया और उसको अचीव किया, तो हमारे लिए एक लेसन भी इसके अंदर मौजूद है। सो दोनों का जवाब दीजिएगा। सर बेसिकली मैं अभी असिस्टेंट कमिश्नर यूटी यानी कि अंडर ट्रेनिंग सियालकोट हूँ, और मैंने लास्ट ईयर 2021 के अंदर प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज का, जिसको आप PMS कहते हैं, वो इम्तिहान पास किया था और उसकी वजह से मैं एलोकेट हुआ। सो मेरी ट्रेनिंग चल रही थी और अभी ट्रेनिंग का ही एक फेज़ होता है जिसमें आप एज अंडर ट्रेनिंग फील्ड में जाते हो एज एन असिस्टेंट कमिश्नर, तो अभी मेरा वो फेज़ चल रहा है, तो कम्प्लीटली मेरे पास चार्ज नहीं है असिस्टेंट कमिश्नर का। चलें, ये थोड़ी सी क्लैरिटी हो गई, क्योंकि काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि सर ठीक। सो सेकेंड सर फिर ये है कि उस चीज़ ने इतना ज़रूर हेल्प आउट किया कि मुझे ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो रहा था आहिस्ता आहिस्ता, बट ये जो मैंने एग्ज़ाम दिए थे ये उनसे पहले के थे। फॉर एग्जांपल जो रिटन एग्ज़ाम मैं दे चुका था, अच्छा, ये फरवरी में हुए थे 2023 में, और मेरी जो ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी वो बाद में हुई थी, इवन द लिस्ट जो फाइनल एलोकेशन लिस्ट थी PMS की वो भी बाद में आई थी। सो यस, इन इंटरव्यू फेज इट हैज़ हेल्प मी अ लॉट, इन द सेंस कि मुझे अब पता था कि फील्ड कैसे हो रही है, फील्ड में क्या काम होता है, किस तरह चलता है, बट येट जो आपका इंटरव्यू पैनल है उसकी एक्सपेक्टेशन आपसे कंपेरेटिव एडवांटेज में ज्यादा हो जाती है, हो जाती कि यार एक बंदा जिसके पास फील्ड एक्सपीरियंस नहीं है वो तो एक थोड़ा बहुत फ्लंक्ड है, वो थोड़ी बहुत इस तरह की बात कर सकता है, उसके पास लिवरेज होता है, लेकिन जैसे मैं था मेरे पास लिवरेज नहीं था।
सेकंड जो आपका क्वेश्चन था कि व्हाई आई चोज टू गो फॉर दिस रेदर देन ऑप्टिंग फॉर एन एस्केप, तो उसकी रीजन ये है कि मैंने फ्रॉम द डे वन, मेरी वालदा जो है वो एक रिटायर्ड टीचर हैं, मेरे वालिद साहब लॉयर हैं, तो उन्होंने हमेशा मुझे एक बात बताई है कि नो मैटर व्हाट आपने रहना पाकिस्तान में, सो यू हैव टू ऑप्ट फॉर द बेस्ट इन पाकिस्तान. सो गोइंग अब्रॉड वॉज नेवर एन ऑप्शन फॉर मी, गोइंग फॉर बिजनेस वॉज नेवर एन ऑप्शन फॉर मी. सो मेरे लिए यही ऑप्शन थे कि मैं, चूंकि मेरा लॉ का बैकग्राउंड था, इधर आई प्रैक्टिस इन लॉ, आई गो टू द सिविल सर्विसेज. सो दिस वॉज माई फर्स्ट प्रायोरिटी एंड दैट इज द रीजन वाई आई एम हियर. बहुत से लोगों के आइडियल होंगे आप इस वक्त, क्योंकि इतने लड़के लड़कियां पाकिस्तान में यूथ ये कर रहे हैं और आप जब उनके सामने बैठे हैं तो यकीनी तौर पे वो आपको आइडियलाइज कर रहे हैं. क्या गोल्स हैं आपके? बहुत से लोग जब आदिल इस पे आ जाते हैं ना, आप भी जब स्टूडेंट होते होंगे प्रोटोकॉल्स के खिलाफ भी होते होंगे, ये चीज़ें तंग भी करती होंगी, लेकिन बहुत से लोग जब आ जाते हैं तो फिर उनको अच्छा लगता है, यू नो, प्रोटोकॉल, गाड़ियाँ बड़ी बड़ी एंड ऑल दैट. आपके ड्रीम्स क्या हैं, गोल्स क्या हैं, क्या करना चाहते हैं आप बीइंग एन ऑफिसर? सर फ्रॉम द डे वन, मुझे तो अब सर्विस में भी ऑलमोस्ट अब साल होने वाला है, बट मुद्दा ये है कि डे वन मेरा यही एम था. देखें, एक बंदा कभी भी सोसाइटी को ड्रास्टिकली चेंज नहीं कर सकता. अगर मैं यहाँ पर बैठ कर बात करूँगा कि जी मैं सुबह जाऊँगा तो मैं सोसाइटी को बदल दूंगा, इट इज़ नेवर पॉसिबल. वट इज़ पॉसिबल इज टू प्ले आर ओन पार्ट. फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने हिस्से का पार्ट प्ले करना है, मैंने अपने हिस्से का पार्ट प्ले करना है. और अगर मैं ये ड्यूटी कर रहा हूँ एज एन, फॉर एग्जाम्पल, एज एन असिस्टेंट कमिश्नर और एज ए डी सी, कि मैं लोगों को पब्लिक सर्विस डिलीवरी दे रहा हूँ, तो मैं उन पर एहसान नहीं कर रहा, मैं अपनी जो ड्यूटी है उसको जो है वो सर अंजाम दे रहा हूँ. और उस ड्यूटी के सर अंजाम देने के अंगेंस्ट, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपने 24 आवर्स इस चीज़ पर इन्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैं पब्लिक सर्विस डिलीवरी भी कर रहा हूँ, मैं अपनी सोशल लाइफ भी सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, मैं अपनी फैमिली लाइफ भी सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, सो उसके अंगेंस्ट अगर मुझे कुछ पर्क्स एंड प्रिविलेजेस मिल रहे हैं, तो मेरे ख्याल से यही इस ब्यूरोक्रेसी की, सिविल सर्विसेज की खूबसूरती है. अगर शायद आप इस जॉब से ये पर्क्स एंड प्रिविलेजेस निकाल लें, तो मेरा ख्याल है लोग फिर थोड़ा सा इससे दूर चले जाएंगे कि 24/7 जो है आप नहीं दे सकते किसी भी जॉब को. अच्छा आदिल, बिल्कुल एंड में मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जिस तरह से आपने कहा कि महज एस्केप के लिए, इमरान ने भी ये बात की कि कुछ लोग इसको अपना लेते हैं, मतलब यहाँ पर बड़े आराम से कह दिया जाता है कि सीएसएस कर लो, बड़ा स्कोप है, तो क्या उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि आप मुकम्मल तैयारी के साथ, डिवोशन के साथ आप एग्जाम दें, ना कि इस तरह से बिल्कुल स्कोप है और उसमें चले जाया जाए, सिर्फ उसके पर्क्स को देखा जाए और उसकी जो एग्जाम की सख्ती है, जिस तरह से आपने कहा कि वो बिल्कुल उसकी नौयत बाकी एग्जाम से और बाकी टेस्ट से डिफरेंट है, तो उसके लिए आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? मैडम, मेरे ख्याल से मैं हमेशा यही कहता हूँ कि अगर सीएसएस मैं कर सकता हूँ और टॉप कर सकता हूँ, तो मेरे ख्याल से कोई भी कर सकता है. रीजन देयर बाय कि लोग कहते हैं कि सीएसएस वो लोग कर जाते हैं या टॉप करते हैं जिनका ब्यूरोक्रेसी, फैमिली ब्यूरोक्रेसी से भरी हुई है. मेरी फैमिली के अंदर कोई ब्यूरोक्रेट नहीं है. आई एम द फर्स्ट ऑफिसर इन द फैमिली. जब मैं पीएमएस ऑफिसर बना या अभी पास में आया हूँ, तो मेरे ख्याल से ये मिथ तो यहाँ पर ख़त्म हो जाती है कि ये उस तरह का प्रोसेस नहीं है. सेकंड, दिस इज़ द मोस्ट मेरिट बेस्ड सिस्टम कि आपको, अगर मैं, मेरी एक हम्बल सी फैमिली है, अगर मैं यहाँ पर टॉप करके बैठा हूँ, दैट मीन्स कि इसके अंदर कुछ ना कुछ मेरिट तो है. तो वो जो एक मिथ बनी हुई है कि नहीं जी ये तो कुछ फर्शी प्रोग्राम है, तो वो वैसे वाला भी काम नहीं है. थर्ड थिंग इज़ कि ये लोग ये सोचते हैं कि जी फॉरेन डिग्री वाले बंदे ही टॉप करते हैं, तो मेरी फॉरेन डिग्री भी नहीं है, मैं कायदे आज़म यूनिवर्सिटी से लॉ ग्रेजुएट हूं. मिथ्स तोड़ेंगे. सो आई बिलीव कि अगर आपकी हम्बल बैकग्राउंड के साथ, आपकी फॉरेन डिग्री के बिना और आप विदाउट एनी ब्यूरोक्रेटिक सपोर्ट, अगर आप टॉप कर सकता हूं, मैं टॉप कर सकता हूं, तो फिर तो कोई भी कर सकता है. We are so proud of you. So it's not that much difficult. हमारी बहुत सारी दुआएं इधर आए आपके फ्यूचर के लिए हैं आदिल भाई. आप हमारे लिए एक मशाल राह हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए. नंबर वन, आपकी फैमिली को बहुत ट्रिब्यूट है, और उन लोगों के लिए भी मैसेज है आपकी सूरत में जो आपको कहते होंगे कभी कि नहीं कर सकते, छोड़ दो, कुछ और कर लो. बहुत सी लोग ऐसे जिंदगी में डिस्करेज करने भी आते हैं, तो माशाल्लाह यू आर अ वेरी गुड एग्जांपल. हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं. पाकिस्तान को सर्व कीजिए. इसी वजह से हो पाया जो लोग कहते थे कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो मैं उनको भी थैंक यू करना चाहूंगा. बिल्कुल बिल्कुल, हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं. इंशाल्लाह जिंदगी किसी मोड़ पे, आई होप की मुलाकात हो तो जरूर आपसे पूछेंगे कि कैसा सफर है. थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस.